भारत बनाने जा रहा है एक ऐसी बुलेट ट्रेन जो समुद्र का सीना चीर कर निकलेगी। भारत ने पिछले दिनों की तुलना में आज बहुत विकास किया है, लेकिन आज भारत में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है जिसके बाद लोगों को रहने के लिए घर भी बड़ी मुश्किलों के बाद मिलता है। इतनी बढ़ती जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत से वाहनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सुविधाजनक ट्रेन को माना गया है। कहीं जाने के लिए जहां हमें 30 मिनट का समय लगता है, वहीं ट्रैफिक में फंसने के बाद 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जब हमें कहीं दूर के सफर पर जाना होता है तो हम ट्रेन से सफर करना सबसे ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं, जो हमें ट्रैफिक से बचाती है और हमारा समय भी बचाती है। लेकिन आज हमारे समय को बचाने के लिए ट्रेन से भी कम समय में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भारत एक ऐसी बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है जिसके बाद आप कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ज्यादा समय बर्बाद किए पहुंच सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, अब और सुहाना होगा बुलेट ट्रेन का सफर। अब एक ऐसी बुलेट ट्रेन बन रही है जो समुद्र का सीना चीर कर निकलेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी को ये ट्रेन केवल 2 घंटे में तय करेगी। जी हाँ, देश की पहली बुलेट ट्रेन के जरिए मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले यात्री समुद्र के अंदर यात्रा करके रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर में समुद्र के अंदर करीब 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। यही नहीं, अगर ये परियोजना साकार रूप लेती है तो मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे में पूरा होगा। बुलेट ट्रेन से जुड़े एक रेल अधिकारी के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद बीच का 508 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कोऑर्डिनेटर का 21 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा। इस ट्रेन का अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड ट्रैक पर प्रस्तावित है। जिक की डिटेल प्रोजेक्ट के मुताबिक यह ट्रेन समुद्र के नीचे से लगभग 21 किलोमीटर बनी सुरंग से होकर निकलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बुलेट ट्रेन की अनुमानित लागत 97,636 करोड़ रुपए है, जिसके लिए जापान से 81% राशि कर्ज के रूप में ली गई है। इस ट्रेन के लिए बिजली, डिब्बे, इंजन इत्यादि जापान से आयात किए जाएंगे और जापान के साथ किया गया ये समझौता इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।